हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम पढ़ेंगे टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो जैसे कि आपको टेस्ट दिया गया था और ये थे टेस्ट के 10 क्वेश्चंस। ठीक है, तो हमेशा की तरह हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले 5 क्वेश्चंस पढ़ते हैं, उसके बाद नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहले 5 क्वेश्चंस अपने लिए ये थे। अब जिसमें फर्स्ट क्वेश्चंस पूछा गया था, द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल इज। ठीक है, और जहाँ तक आपने टेस्ट पेपर देखा होगा, इस बार के टेस्ट आपके जो हुई हैं वो पूरा ग्रुप पर हुई है। फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हो सकते, कौन कौन से होते हैं। तो जैसे कि पहला है द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल इज। अब आपने फंक्शनल और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की लिस्ट भी पढ़ी होगी, तो भी वहाँ से आप समझ सकते हो। एक्चुअली फंक्शनल ग्रुप में अल्कोहल में, ठीक है, इसका जब हम नेमिंग करते हैं तो वहाँ पर हम सफिक्स यानी क्या यूज़ करते हैं, ओएल। और ये किस फंक्शनल ग्रुप के लिए था, ओएच ग्रुप के लिए। ठीक है, याद है। तो फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल इसमें क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ये होता है फंक्शनल ग्रुप, किसमें, अल्कोहल में। ठीक है, तो अल्डिहाइड, हैलोजन या फिर अल्किन, ठीक है, ये नहीं होते। तो अल्कोहल में क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। मतलब आपका फर्स्ट क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो थर्ड है। ठीक है, दैट इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अ फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल। उसके बाद है द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अमाइन। अमाइन कैसे होते हैं, अमाइन में हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी इस तरीके से क्लासिफिकेशन किया था। और अमाइन एक्चुअली अमोनिया के डेरिवेटिव से होता है। तो अमोनिया को बोलते हैं हम NH3, है ना, अमोनिया, इसको हम क्या बोलते हैं, NH3। लेकिन अमोनिया की जब डेरिवेटिव होती है, यानी यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या होता है, सब्स्टिट्यूट होता है बाय एनी ग्रुप, तो इसमें इसका कन्वर्जन होता है एक्चुअली NH2 में। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम अमाइनो ग्रुप। यही से क्लासिफिकेशन शुरू हो जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी इसमें फंक्शनल ग्रुप जो हैं, ठीक है, अमाइन का वो क्या होता है, सबसे पहले जो शुरू होता है वो है NH2, दैट इज प्राइमरी अमाइन। तो फंक्शनल ग्रुप ऑफ अमाइन क्या होना चाहिए, NH2। तो अपने लिए यहाँ पर जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट है। ठीक है, अमाइन, ओके। उसके बाद है द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इन तीनों का अगर देखा जाए, ठीक है, तो कुछ एक बात है जिसमें हम तीनों को कंपेयर करेंगे तो हमें इन तीनों के आंसर मिल सकते हैं। कैसे, देखो, एक्चुअली फंक्शन अल्डिहाइड ले लो या कीटोन लेते हैं या कार्बोक्सिलिक एसिड लेता है, इसमें कार्बोनिल कार्बन तो प्रेजेंट होता है। तो कार्बोनिल कार्बन यानी कार्बन ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्डेड होगा, ये होता है कार्बोनिल कार्बन। अब इस कार्बोनिल कार्बन से क्या अटैच होंगे उस पर डिपेंड करता है कि वो अल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा या कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर हम अल्डिहाइड की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें एटलीस्ट एक हाइड्रोजन तो होना चाहिए जो कार्बोनिल कार्बन से अटैच हो। ठीक है, दो भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक हाइड्रोजन तो इसमें होना चाहिए। ठीक है, तो इस फंक्शनल ग्रुप को हम कहते हैं अल्डिहाइड का ग्रुप, अल्डिहाइड ग्रुप। चलो कीटोन की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो कीटोन में भी कार्बोनिल कार्बन प्रेजेंट है, लेकिन कीटोन में हाइड्रोजन नहीं होते, कार्बोनिल कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं होते। वहां पर क्या होता है, दोनों अल्किल ग्रुप होता है। सेम हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, जिससे हमने कीटोन का क्लासिफिकेशन किया था। ठीक है, सिंपल कीटोन और मिक्स कीटोन, तो या तो दोनों सेम अल्किल होंगे जिसको सिंपल कीटोन कहोगे, या फिर दोनों डिफरेंट होंगे जिसको हम मिक्स कीटोन कहेंगे। लेकिन अल्किल होने चाहिए, हाइड्रोजन नहीं होंगे। ठीक है, इस तरफ दोनों तरफ क्या होते हैं, अल्किल, तो इसको बोलते हैं हम कीटोन। ठीक है, तो कार्बोनिल कार्बन तो है लेकिन इस कार्बोनिल कार्बन को हाइड्रोजन नहीं होंगे, ये डिफरेंस है अल्डिहाइड और कीटोन में। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, अब कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कार्बोनिल कार्बन तो होता ही है, लेकिन यहां पर कार्बोनिल कार्बन के साथ अटैच क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोनिल कार्बन के साथ में होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसीलिए इसका नेम कार्बोक्सिल लिखते हैं। कार्बो दैट इज कार्बोनिल और ज़िल दैट इज हाइड्रोक्सिल। तो यहाँ पर कार्बोनिल कार्बन हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अटैच होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे ये तीन क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्डिहाइड, अल्डिहाइड में कार्बोनिल कार्बन का एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होना चाहिए। तो यहाँ पर कार्बोनिल कार्बन क्या है, COH में भी कार्बोनिल कार्बन है, OH है, X है, और CHO में भी कार्बोनिल कार्बन है, लेकिन इसमें कार्बोनिल कार्बन एक हाइड्रोजन से अटैच है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये होगा हमारे लिए अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप, दैट इज CHO, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। उसके बाद है द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन। कीटोन ये है जिसमें कार्बोनिल कार्बन तो होता है लेकिन दोनों तरफ वो अल्किल ग्रुप से अटैच हो, तो या तो अल्किल ग्रुप दिखाई देंगे या फिर अल्किल ग्रुप प्रेजेंट नहीं किए हैं लेकिन उसके जगह हाइड्रोजन भी तो नहीं बताया, तो इसका मतलब ये क्या होगा, कीटोनिक ग्रुप होगा। तो यहां पर ये जो CO दिखाई दे रहा है ना, इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा,
तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये होता है केटोनिक ग्रुप, ठीक है। तो केटोन में फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? कार्बोनिल ग्रुप। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जिसको बोलेंगे हम COOH, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, कार्बोनिल कार्बन हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अटैच है, उसको बोलते हैं कार्बोक्सिल। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए? COOH, ठीक है। तो अपना फर्स्ट ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा। समझ में आ रहा? इन तीन क्वेश्चंस में जो आंसर्स है उसमें डिफरेंस क्या है, क्लियर हुआ? ठीक है, समझ में आया यहां तक? चलो नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। ओके, नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस क्या है अपने लिए? द फंक्शनल ग्रुप ऑफ हैलाइड। ये हैलाइड वर्ड किस लिए आता है? अगर कंपाउंड्स में हैलोजन ग्रुप के एलिमेंट प्रेजेंट हो तो, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, इनके लिए हम हैलाइड यूज करते हैं। जैसे क्लोरीन हो तो क्लोराइड, ब्रोमीन हो तो ब्रोमाइड। तो हैलोजन ग्रुप के एलिमेंट जो हैं उनके लिए हम हैलाइड यूज करते हैं। जनरली हैलाइड को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहां पर फंक्शनल ग्रुप जो हैलाइड में होगा वो कौन सा होगा? एक्स, यानी यहां पर होगा बी ऑप्शन अपने लिए करेक्ट होगा, ठीक है। चलो 7th क्वेश्चन क्या है? द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईस्टर। अच्छा, ईस्टर में क्या होता है? ईस्टर को हम जनरली इस तरीके से लिखते हैं, RCOOR, यानी इस तरह से होता है, सी डबल बॉन्ड ओ एंड देन ओ आर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो RCOOR। इसमें ये जो है ये होता है फंक्शनल ग्रुप, किसमें? ईस्टर में, ठीक है। और इस तरफ क्या होगा? अल्किल। तो यहां पर फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईस्टर क्या होगा? इन चार ऑप्शन में से आपको क्या दिखाई दे रहा है? जो डी ऑप्शन है, ठीक है, COOR, ये करेक्ट होगा। क्लियर, समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्किल साइनाइड। अब साइनाइड, यहां हमने दो बातें पढ़ी थी, साइनाइड और आइसोसाइनाइड। साइनाइड यानी CN लिखते हैं जिसमें कार्बन के थ्रू बॉन्डिंग होती है, आइसोसाइनाइड जिसमें हम NC लिखते हैं, यहां पर नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्डिंग होती है। तो ये साइनाइड है। अब इस साइनाइड को इस तरफ हाइड्रोजन भी हो सकता है या अल्किल भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर पूछा गया अल्किल साइनाइड, मतलब साइनाइड ग्रुप को इस तरफ अल्किल ग्रुप अटैच होगा, ठीक है। हाइड्रोजन होता तो हाइड्रोजन साइनाइड कहते हैं, अल्किल है तो अल्किल साइनाइड। तो अल्किल साइनाइड ये जो है, ठीक है, इसमें फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्किल साइनाइड क्या होगा? यहां पर एक्चुअली इसमें फंक्शनल ग्रुप जो है ये CN है, दैट इज साइनाइड, ठीक है। लेकिन अल्किल साइनाइड के नेम जो दिया है इस हिसाब से यहां पर ये है अल्किल साइनाइड, और इसमें फंक्शनल ग्रुप एक्चुअली साइनाइड है, ठीक है। लेकिन अल्किल साइनाइड नेम से अगर देखा जाए तो सी ऑप्शन अपना यहां पर क्या होगा? करेक्ट होगा, दैट इज अल्किल साइनाइड, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्काइन। ये YNE, ये जो सफिक्स है, प्राइमरी सफिक्स, ये हम किस लिए यूज करते हैं? एक्चुअली कार्बन कार्बन के बीच बॉन्डिंग किस तरीके की है, तो उसमें तीन आते थे, ANE, ENE और YNE। YNE में कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ये जो अल्काइन है इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड विद कार्बन, यानी डी ऑप्शन अपने लिए करेक्ट होगा, ठीक है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन क्या है? द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्किन। अब इसमें अल्किन है यानी ENE है, तो प्राइमरी सफिक्स ENE कहा यूज करते हैं हम? जहां पर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ENE ये जो दिख रहा है, ये ENE हम किस लिए यूज करते हैं? ये सफिक्स हम यूज करते हैं एक्चुअली कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो। तो यहां पर ये जो ऑप्शन चार दिए हैं इसमें से बी ऑप्शन है जिसमें कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड दिया है, तो अपने लिए यहां पर बी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से फंक्शनल ग्रुप पर सिंपल आपको 10 क्वेश्चंस दिए गए थे, ठीक है। आई होप सभी ने सॉल्व किए होंगे, ठीक है। अगर कुछ गलत हुआ होगा तो नेक्स्ट टेस्ट में इम्प्रूव करते जाइए। समझ में आया बेटा? चलो, थैंक यू।